placing them in the bagging area after each scan. तो ये जो मार्केट है ये है डाउनटाउन के बिल्कुल करीब. ये अभी हम आए हैं जोल उसको मार्केट में और यहाँ से मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह शॉपिंग कर सकते हैं. ज़्यादा तो मैं लंबी वीडियो नहीं बना सकता क्योंकि अभी क्लोजिंग टाइम चल रहा है, कोई रात के 9:30 बज चुके हैं और 10 बजे ये क्लोज कर देंगे. सलाम दोस्तों, वेलकम टू पाक टूर ब्लॉगर चैनल. तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह यानी किसी भी स्टोर से शॉपिंग करने के बाद खुद ही किस तरह निकल सकते हैं मार्केट से. काउंटर पे जाने की ज़रूरत नहीं क्योंकि काउंटर पे आपका काफ़ी टाइम लग सकता है अगर बिजी आवर्स हैं, और अगर आप मेरी तरह समझदार हैं तो फिर ऑर्डर पे जाए बगैर ही सेल्फ पे जाएंगे और वहाँ से अब कार्ड के थ्रू या एप्पल वॉलेट के थ्रू या और कोई भी जो भी आप ऐप यूज़ करते हैं उसके थ्रू पे करके निकल सकते हैं. तो आइए चलते हैं. अभी हम आए हैं जोल उसको मार्केट में. तो ये दरवाज़ा बंद है, दूसरे दरवाजे से हम इंटर होंगे. वो इसका एंट्रेंस वो दूसरी तरफ है. दोस्तों अभी मैं ग्रोसरी शॉपिंग करने आया हूँ. ये कुछ चीज़ें बाई की हैं मैंने. ये गाजर का जूस लिया, ऑरेंज लिया, ऑरेंज का जूस, ड्राई फ्रूट थोड़ा एक्सपेंसिव. तो अभी चलते हैं, चीज़ें स्कैन करते हैं. ये मशीन हमें मिली है, यहाँ से स्कैन करेंगे. $2.99 $1.99 ये केले कैसे स्कैन करें. अच्छा चेक करना पड़ेगा, किसी बंदे को बुलाते हैं कैसे. इनके ऊपर भी बार कोड तो लगा हुआ. If you are finished scanning, please touch finish and pay. Wait, accept wait to continue. Placing them in the bagging area after each scan. Please touch accept wait to continue. Move your item to the bag. 81 cents. मैंने सिर्फ एक ही बाय किया, अल्लाह की कसम. तो ये दोस्तों हमारा बिल बन गया 22.88. अभी थोड़ी देर बाद पे करने के बाद में आता हूँ. दोस्तों मैंने थोड़ी चीज़ें बाय कर ली हैं. बाहर जाने का रास्ता इधर से भी है. आज आपको मैंने नई चीज़ सिखाई है कि आप किस तरह शॉपिंग कर सकते हैं जब भी मार्केट आए जोल उसको मार्केट में. आप इधर जाएंगे, यहाँ रश है तो इसलिए मेरे पास थोड़ी आइटम्स थी तो मैंने खुद ही स्कैन करके तो मैं निकल गया. तो बाकी चीज़ें आपको बाद में दिखाएंगे. तो अभी मैं निकलता हूँ यहाँ से. तो दोस्तों शॉपिंग मेरी हो गई है, कोई $22-23 मैंने खर्च दिए हैं. आपको बताना ये था कि आप किस तरह यानी खुद ही स्टोर आकर चीज़ें बाय कर खुद ही पे करके किस तरह निकल सकते हैं. तो मैं क्योंकि एप्पल वॉलेट यूज़ करता हूँ, एप्पल से ही मैं पे आउट करता हूँ, जो कि मैंने आपको बताया भी और दिखाया भी.
मोबाइल बंद करके मैंने चीज़ें स्कैन की, पे किए बगैर तो नहीं निकल सकते, पे करके ही टाइम भी बचिएगा और आप आसानी से जो चीज़ बाय करना चाहें वो बाय भी कर सकते हैं। दोस्तों जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा कि किस तरह मैंने शॉपिंग की, सामान बाय किया और पे करके चीज़ें स्कैन की खुद ही और पे करके मैं बाहर आ गया, तो ये एक बहुत ही आसान तरीका है और इसमें ज़रा भी आपको डरने की ज़रूरत नहीं। जहाँ मर्जी जाएँ वहाँ सेल्फ पे के काउंटर होते हैं और ये और आप खुद ही पे करके निकल सकते हैं। मैं जा रहा हूँ वो सामने मैकडोनल्ड की एक शॉप है बड़ी, और खा पी के निकलता हूँ। तो आज की इस वीडियो का इख्तिताम यही करते हैं दोस्तों। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगली नेक्स्ट आने वाली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।